तो आप देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर आ रही है। अभी आज कैश के रूप में भाई साहब 50 से 60 हजार रुपए, मात्र 5 घंटे का कलेक्शन। मैं आज से 2 से 3 हजार लोगों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिमू ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जो कि बैतूल से मात्र 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है फांसीवर। दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह स्वयंभू शिवलिंग प्राकट हुआ है, जिसको कि यहाँ के गाय चराने वालों ने सबसे पहले देखा था। उसके बाद जैसे ही यहाँ के निकट लोगों को इसके बारे में पता चला, यहाँ पर भक्तों की एकदम तांता लग गया और बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर अभी आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरी गाड़ियाँ इधर पार्क है और इस तरफ भी पार्क है, और वो वहाँ पर अभी से टेंट वेंट लगने शुरू हो गए हैं। आपको ऐसे वीडियो में दिख रहा होगा, अरे पूरी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। चलिए हम वहाँ पर चलते हैं और आपको मैं वहाँ पर जाके करवाता हूँ भगवान भोलेनाथ के जो स्वयंभू प्रकट हुए उनके दर्शन। और ये भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, और सुनने में आ रहा है कि इसके पहले भी और ज़्यादा भीड़ थी, और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर और लोग आते जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी पब्लिक आ गई है, और यहाँ पर रास्ता बनाने का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, JCB चालू है, और वहाँ पर भी आप देख रहे हैं टेंट वेंट लग गया है एकदम जोर शोर से, यहाँ पर काम चालू है। दोस्तों अगर आप बैतूल या बैतूल के आसपास है तो फटाफट यहाँ पर आए और यहाँ पर आके भोलेनाथ के दर्शन करें। और ये चलो चलो से निकला है शिवलिंग। तो दोस्तों यह है वह स्वयंभू प्रकट शिवलिंग, जिसे सुबह लगभग 10:30 बजे यहाँ के आसपास के गाय चराने वालों ने इसे देखा और इसकी खबर लोगों को दी, तभी से यहाँ पर हजारों की श्रद्धा में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों यह शिवलिंग देखने में तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की तरह ही दिखाई दे रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह भी उसी समय काल का हो सकता है। बाकी भोलेनाथ की माया तो भोलेनाथ ही जाने। दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर आ रही है अभी स्वयंभू प्रकट शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, और सुबह से इससे ज्यादा कई भीड़ थी, और जैसे जैसे लोगों को पता चलते आ रहा है पब्लिक आते जा रही है निरंतर रूप से। सुबह 10 बजे हमारे यहाँ 2 गाय चराने वाले व्यक्ति को ऊपर का हल्का सा छत्ता का सिरा दिखा, जिन्होंने उनको लगा कि कुछ है, उन्होंने ऊपर देखा तो ठंडा लगा, तो उन्होंने उसको ऊपर लकड़ी से कोड़ना चालू किया, तो कोड़ते कोड़ते वो शिवलिंग की दिशा में अपन को आगे बढ़ता हुआ भोलेनाथ की पिंडी के रूप में अपन को भोले बाबा के दर्शन। अच्छा जी, कब की बात है? ये सुबह 10:30 से सभी श्रद्धालु भक्तों का आज तांता लगा हुआ है, जिसमें आज से 2 से 3 हजार लोगों ने भोलेनाथ के दर्शन किए, और साथ में मंदिर निर्माण के लोगों ने कम से कम 50 से 60 हजार रुपए का चंदा दिया, जो मेरे पास आज कैश के रूप में, मतलब 50 हजार रुपए का चंदा, ये देख लीजिए भैया, आज कैश के रूप में भाई साहब 50 से 60 हजार रुपए, मात्र 5 घंटे का कलेक्शन। 5 घंटे का ये मतलब अभी तक हो चुका है, ये अपने पास उपलब्ध है। अच्छा, तो इसके पहले यहाँ पर क्या था? सिर्फ जंगल था जहाँ पे गाय भैंस चराने वाले आते थे बस, तो उनको ये समझ में आया कि कुछ। आज सुबह यहाँ 2 लोग आए हुए थे, तो जिनको ऊपर हल्का सा पत्थर हुआ, उन्हें छूकर देखा, उनको ठंडा लगा, उन्होंने कोरते हुए देखा, तो वहाँ पे फिर अपन को पिंडी मिली। अच्छा, जिसका कल से मंदिर निर्माण का कार्य चालू भी हो, कल से मंदिर निर्माण कार्य चालू हुआ है। सभी धर्म प्रेमी लोग, जिसको जो श्रद्धा भाव है वो अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। जय श्री। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्वयंभू शिवलिंग का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।